जनपद संभल के चंदोसी में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हाथरस की पीड़िता को भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 10 दिन पूर्व यूपी के जनपद हाथरस में कुछ हैवानों ने 19 वर्षीय किशोरी के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया था, के बाद पीड़िता इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थी, जहां आज हाथरस की यह बिटिया जिंदगी से जंग हार गई। हाथरस की बिटिया की मृत्यु की खबर जैसे ही लोगों को हुई तो श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी के तहत जनपद संभल के चंदोसी में भी भगत सिंह चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एकत्रित होकर हाथरस की बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी ने कहा कि आज हाथरस की बिटिया जिंदगी की जंग हार गई, हम लोग उसी बिटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हालात देखकर लगता है कि देश और प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है। संभल से सरफराज अंसारी की यह रिपोर्ट। मार्च निकाला है, क्या कहेंगे इसमें? हम ये कहेंगे, ये मतलब की लड़की है मनीषा, जिसके साथ में ये गलत हुआ है, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इस योगी सरकार में ना बहन बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी योगी जी से, योगी जी आप क्या कर रहे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी आपकी सरकार में बिल्कुल भी मतलब बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वो घर से नहीं बाहर निकल सकते, घर से निकलते ही मतलब लड़कियों पे गंदी नज़र लगा हुए लोग बैठे रहते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, योगी जी आप लड़कियों की सुरक्षित न्याय मिलना चाहिए मनीषा के लिए। आज जो दुर्घटना जो कुछ समय पहले हाथरस में हुई थी, और उस कुमारी मनीषा जो सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में एडमिट थी, उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की गूंगी बैरी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार जब उस पर चुनाव लड़ रही थी 2019 और 17 का, तब उनका नारा था बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी। आपने देखा निर्भया कांड से लेकर अब तक जिस तरह से महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, उनका विधायक सेगर भी आज जेल में है। उसी सहजाति के लोगों द्वारा वाल्मीकि समाज की कुमारी मनीषा के साथ गैंगरेप करने के बाद, जीभ काटने के बाद उसकी हत्या, एक तरह से हत्या करके जो अस्पताल में भर्ती थी मृत्यु हो गई। मैं मोदी और योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना धर्म पे एक अलग चीज़ था, लेकिन आज जिन जातियों के माध्यम से तुम जिन जिन के दलित से लेकर ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि से लेकर यादव से लेकर टारगेट कर कर जो एनकाउंटर के माध्यम से और पूरी सरकार में गुंडा और माफियों का दबदबा है, लगातार जिस तरह से हत्या हो रही है, ये महसूस कराता है कि अब प्रदेश और देश की जनता सुरक्षित नहीं है। इस सुरक्षा को लेकर आज समाज में जनता में जो उत्साह देखने को मिल रहा है इनके खिलाफ, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मोदी और योगी सरकार को जनता पलट के रख देगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पूरी समाजवादी पार्टी जहाँ अत्याचार अन्याय होगा उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता विधायक सांसद सब उनके साथ खड़े हुए हैं। और मैं ये भी आग्रह करता हूँ इस गूंगी बैरी सरकार से कि मनीषा के परिवार में एक नौकरी देने का काम किया जाए, 5 करोड़ का मुआवजा देने का काम किया जाए। आज हमने जो कैंडल मार्च निकाला, समाजवादी पार्टी के तमाम साथी तमाम कार्यकर्ता इस बात पे आक्रोशित हैं कि हाथरस जनपद की बेटी मनीषा जिस तरह से उसके साथ गैंगरेप हुआ, जिस तरह से उसकी नीट की हड्डी तोड़ी गई, जिस तरह से उसकी जीभ काटी गई, निश्चित तौर पे इस प्रदेश में अपराधी निरंकुश है, कोई अंकुश नहीं है सरकार का। हम चाहते हैं कि मनीषा के परिवारजनों को 5 करोड़ का आर्थिक मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, तथा मनीषा के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट केस चला करके उसके हत्यारों को फांसी दी जाए। जब तक मनीषा के हत्यारों को तमाम बहु बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलती, इस प्रदेश की सरकार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और यह हम मांग भी करते हैं आज कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर बहु बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, आपको त्याग दे देना चाहिए।